आज मैं आपको वृत्त केंद्र के बारे में बताऊंगी। किसी भी वस्तु पिंड का वृत्त केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित होता है, या हम कहें जो पिंड होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं उन सभी कणों का जो भार है उसका परिणामी जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यहाँ पर हमें गुरुत्व केंद्र के बारे में क्लियर होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र जो है कोई भी पिंड हो जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होगा तभी उसका गुरुत्व केंद्र होगा, अन्यथा गुरुत्व केंद्र डिसअपीयर हो जाएगा। यदि हम ब्रह्मांड से बाहर चले जाए तो वस्तु का गुरुत्व केंद्र खत्म हो जाएगा। तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण भार केंद्रित होता है, या दूसरे शब्दों में कहें उस जो पिंड है वो बहुत छोटे छोटे असंख्य कणों से मिलकर बना है। उन सभी कणों का परिणामी जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अगर हम उस वस्तु को उस बिंदु पर रख दें तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, अर्थात वो कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होगी, ना तो किधर गिरने की कोशिश करेगी। जैसे सपोज ये डस्टर है, इसको मैं अगर इस बिंदु पर रख दूं तो आप देखेंगे ये गिर रही है, लेकिन अगर इसको मैं कोई एक बिंदु ऐसा होगा जिस पे रख दूं तो ये ना तो इधर मूवमेंट करेगी ना इधर, इसका मतलब इसका गुरुत्व केंद्र इस बिंदु पर है। यानी कि इसका भार अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में देखूं तो वो चारों तरफ से सममित है, यानी वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो गुरुत्व केंद्र है वो वस्तु के अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है और कहीं पर भी, लेकिन गुरुत्व केंद्र किसी भी पिंड का जो है मात्र एक बिंदु होगा। यानी कि किसी भी वस्तु में दो गुरुत्व केंद्र नहीं हो सकते, एक और एक मात्र गुरुत्व केंद्र होता है। नेक्स्ट है सेंट्रोइड या केंद्रक। केंद्रक अगर हम कोई वस्तु है उसकी डेंसिटी को और उसकी थिकनेस को इक्वल कर दें, जैसे ये डस्टर है, अगर इसकी पूरे की डेंसिटी एक है और इसका थिकनेस एक है, तो अगर मैं केवल इस सरफेस की बात करूं, यानी कि जो सरफेस है वो प्लेन समतल फलक होना चाहिए, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र उसका जो केंद्र जहां एक्ट करेगा उसे हम केंद्रक कहते हैं। उसका केंद्र यानी कि उसके सापेक्ष उस लाइन पर अगर मैं एक्स एक्सिस में कहूँ उसको अगर मैं कट कर दूं तो वो दो इक्वल एरिया में कट हो जाएगा। अगर उसको मैं इस तरह से भी कट करूंगी तो वो दो इक्वल एरिया में कट होगा। केंद्रक भी एक बिंदु होता है, वो उस समतल फलक के अंदर और बाहर कहीं भी स्थित हो सकता है। तीसरा सहती केंद्र। किसी वस्तु का सहती केंद्र मास केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उसका संपूर्ण मास संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। गुरुत्व केंद्र और सहती केंद्र में इतना ही डिफरेंस है, अगर हम किसी भी वस्तु को ब्रह्मांड से बाहर ले जाएं तो उसका गुरुत्व केंद्र खत्म हो जाएगा, लेकिन सहती केंद्र किसी भी वस्तु की जो सहती है वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है। कहीं पे भी रखें उसकी सहती का मान उतना ही रहना है, अर्थात सहती केंद्र हमेशा एक फिक्स बिंदु होता है चाहे हम कहीं भी अर्थ पर रहें। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें गुरुत्व केंद्र केंद्रक और सहती केंद्र प्राय एक ही बिंदु होते हैं। अगर जो पिंड है उसकी थिकनेस और घनत्व दोनों को अगर हम समरूप कर दें तो गुरुत्व केंद्र केंद्रक और सहती केंद्र एक ही बिंदु प्राप्त होते हैं। वस्तु का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए सपोज ये एक पिंड है, ये असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, इन सबका अपना डिफरेंट भार होगा। अब इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए हम दो रेफरेंस एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं। किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए हमें दो रेफरेंस एक्सिस डिसाइड करनी होगी। दो एक्सिस होंगे, उस एक्सिस को हम इस तरह से लेते हैं, वो आइदर लेफ्ट राइट मोस्ट पॉइंट होगा, लेफ्ट मोस्ट होगा, बॉटम मोस्ट होगा या टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी सबसे नीचे का बिंदु, सबसे ऊपर का बिंदु, एकदम सीधे हाथ का सबसे एक्सट्रीम बिंदु या बाएं हाथ का एकदम एक्सट्रीम बिंदु होगा। अब इन सबका भार जो है उसको हम कह देते हैं ये W1 है, ये W2 है
ये डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर डब्ल्यू फाइव एंड सो ऑन। अब इन सब की हम इस रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस ले लेंगे। जब हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो इसकी डिस्टेंस होगी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर और एक्स फाइव। हम ये मान लेते हैं ये जितने भी पार्टिकल हैं, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज यहाँ कहीं है, जहाँ पर इसका संपूर्ण भार केंद्रित है। इस संपूर्ण भार को हम W कह देते हैं और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस बिंदु की यहाँ से x बार डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए x बार को हम जितने भी फोर्सेस हैं उसका इस रेफरेंस एक्सिस पे मोमेंट ले लेते हैं, हमें आघूर्ण लेना होता है, यानी जितने भी बल है, जितने भी पार्टिकल है, उनके वेट का उस रेफरेंस एक्सिस पे आघूर्ण बराबर होगा उसके रिजल्टेंट, यानी उस पूरे पार्टिकल का जो कंप्लीट भार है, पूरा भार W जिसे हमने कहा है, उसका उसी रेफरेंस एक्सिस पे मोमेंट के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 प्लस W4 X4 प्लस W5 X5 बराबर होगा W X बार के। यहाँ पे जितने भी फोर्स हैं, उसका मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, बल इनटू बल से लंबवत दूरी। तो बल यहाँ पे W1 है और लंबवत दूरी x1, x2, x3 है प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 प्लस सो ऑन अपॉन टोटल वेट। इसकी सहायता से हम x बार फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें अगर इस ये सेक्शन किसी भी एक्सिस पे सममित नहीं है तो हम यहाँ पर हमने देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने x डायरेक्शन में फाइंड आउट कर ली। अगर ये जो सेक्शन है वो किसी भी एक्सिस पे सममित नहीं है, नहीं तो x डायरेक्शन में, नहीं तो y डायरेक्शन में, अगर हमें x बार पता चला तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे लाई करेगी। लेकिन उस बिंदु को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो डायरेक्शन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी जरूरी है। इसके लिए अब हम ये मान लेते हैं इन्हीं सब बिंदुओं की x एक्सिस से डिस्टेंस y1, y2, y3 y4 और सो ऑन है। और इस वेट की इस बिंदु से डिस्टेंस, सपोज ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस है y बार। अब हम क्या करेंगे, इन सभी बलों का जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इसका हम x एक्सिस में मोमेंट लेंगे। जब हम मोमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, w1 y1 प्लस w2 y2 प्लस w3 y3 प्लस w4 y4 एंड सो ऑन बराबर होंगे टोटल वेट इनटू इसका x एक्सिस पे मोमेंट। तो इससे हमें मिलेगा y बार बराबर होगा w1 y1 प्लस w2 y2 प्लस w3 y3 सो ऑन अपॉन टोटल वेट w। अब हमें जब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों पे, दोनों डायरेक्शन में जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गई, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x डायरेक्शन में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई कर रही है और y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ कट कर रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चल गया इस पिंड का गुरुत्व केंद्र ये बिंदु होगा जहाँ पर इसका संपूर्ण भार केंद्रित होगा। अब हम इस वस्तु को इस बिंदु से कहीं से भी एक धागा बांधकर अगर हम लटका दें तो हम पाएंगे कि वो जो धागा है उसकी एक्सिस इस बिंदु से अवश्य और आवश्यक रूप से गुजरनी चाहिए, तभी ये बिंदु सही है। और अगर हम इसको कहीं से भी उस बिंदु पर अगर हम उसको रखना चाहें तो भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, वो समतल हॉरिजॉन्टल रहेगा, वो कहीं गिरेगा नहीं। अब अगर हमें यहाँ पर हमने ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी एक पर्टिकुलर किसी पिंड की क्या की, अगर हमें किसी पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फाइंड आउट है, पता है, लेकिन हमें एक दूसरा जो पिंड है उसकी कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे याद करेंगे। इट मीन्स अगर हमें पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र दिया हुआ हो, उसकी सहायता से हमें दूसरे पिंड की गुरुत्व केंद्र या कोई उसकी डेटा, कोई डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सपोज ये सेक्शन है, ये दो सेक्शन से मिलकर बना, ये पहला सेक्शन है और ये दूसरा,
x1 है। अब हम किसी भी पॉइंट की किसी भी बिंदु पर मोमेंट लेके हम जो डेटा फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये प्लेन सेक्शन है तो इसका एरिया होगा ये a2 और इस बिंदु पर टोटल एरिया a एक्ट करेगा। हम ये डिस्टेंस इस पॉइंट से ले लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि a1 इंटू यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x1 बराबर होगा a2 इंटू x2। यानी कि जब कभी हमें किसी सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी हुई हो और हमें दोनों सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर इसका मेन गुरुत्व केंद्र है उससे पता हो तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से भी इजीली उस बिंदु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जो भी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान देने के लिए, अगर कोई सेक्शन प्लेन सेक्शन है यानी कि